राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। राहत इंदौरी साहब की टॉप 10 शायरी। यार टॉप 10 क्या उनके लिए सूटेबल लगता है? बिल्कुल नहीं, उनकी हर एक शायरी टॉप है यार, मतलब वो लेजेंड है। शायरी के जो फील्ड है ना इसमें वो सच में महारत हासिल उन्होंने की हुई है, लेजेंड है। और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो एक प्रोग्राम आया करता था महफिल मुशायरा, और मेरे फादर को शायरी का, मुशायरे देखने का, सुनने का बहुत शौक है, तो मैं उनको सुनती थी। उस वक्त भी मैं उनको सुनती थी। और क्या उनकी स्किल्स हैं शायरी में, क्या उनके वर्ड्स किलर वर्ड्स होते हैं, बहुत ही उम्दा शायर है। बहुत ही उस देखने का और रिएक्ट करने का मौका मिल रहा है, सो वाई नॉट। मुझे रिक्वेस्ट भी आती है, जैसे मैं तहजीब हाफी साहब हैं, अली जरियन हैं, उनकी वीडियोस पे करती हूँ ना, तो राहत इंदौरी साहब के लिए भी मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि एक बार आप उनकी वीडियोज़ करो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी है, मैं उनको ऑलरेडी सुन चुकी हूँ और वो मेरी टॉप लिस्ट में हमेशा रहते हैं। मुझे पसंद है उनकी शायरी का जो अंदाज़ है, यार किसको नहीं पसंद होगा। राहत इंदौरी साहब सच में ही इज़ अ जेम, बहुत प्यारी उनकी शायरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना, बट बिफोर आई स्टार्ट इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। यार ये म्यूजिक तो ऑलरेडी फील दे जाता है सच में। मैं यही कहूँगा कि गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या कहा क्या है। मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या। आपके पास कभी मोम को लाकर देखूं हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं सौ बार करो। क्या बात है। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। सुनिए झूठों ने झूठों से कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। अच्छाई की अभी गनीमत है सब्र मेरा, मरा नहीं हुआ। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, असगराओं के अपनी पहचान
को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, बत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है, हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए, हमारे सर की फटी टोपियों पे दंस न कर यह डॉक्यूमेंट, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। कसम से नेक्स्ट लेवल मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। बहुत उम्दा, ओ माय गॉड, मैं इतना रिफ्रेश हो गई हूँ, अल्लाह मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने ये रिएक्शन वीडियो को अभी तक क्यों मतलब अपने पेंडिंग लिस्ट में डाला हुआ था, क्यों 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 अपने आप को मारने का मन कर रहा है, क्योंकि यार राहत इंदौरी साहब को मैं कैसे मैंने अभी इतना लेट कर दिया, जबकि मैंने शायरीज वगैरह पर स्टार्ट किया हुआ रिएक्ट करना, देख के सच में मैं लॉस्ट हो गई हूँ बिल्कुल। इनकी जो शायरीज थी ना, हालांकि ये तो बहुत छोटी छोटी क्लिप्स हैं, इनके अगर पूरे पूरे अगर प्रोग्राम देख लिए तो बंदा एडिक्टेड हो जाएगा बंदा, कि उसको कुछ और सुनने का ही मन नहीं करेगा, कोई म्यूज़िक कुछ नहीं, उसका मन करेगा हर वक्त वो राहत इंदौरी साहब को ही सुनता रहे। और जो एंड वाला मैसेज इन्होंने दिया ना, माशाल्लाह एंड वाला गज़ब गज़ब, कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, जो इन्होंने इतना प्यारा स्वीट गेस्चर में एक मैसेज दिया। थोड़ा सा मीनिंग अगर समझो कि वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, तो इसका मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि इंडिया में क्या है, मिक्स लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो मतलब वो उनके लिए सबके लिए बोल रहे हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका हिंदुस्तान है, सब ने बराबर का योगदान दिया है, सब ने बराबर का वैल्यू ऐड किया है इस देश को आगे बढ़ाने में, और कुर्बानियाँ दी हैं सब ने अपने अपने वक्तों में। तो वो उनका एक ये वाला मैसेज था, उन्होंने जैसे बोला ना उनका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सच में इस लाइन ने तो दिल जीत लिया, बिल्कुल सही बात है। और कितनी फीलिंग से वो शायरी पढ़ रहे हैं ना, मतलब हम लोग तो नो डाउट फीलिंग से सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट कितनी फीलिंग से वो पढ़ते हैं। अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यार उनकी जो शायरी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी ज़्यादा प्यारी है कि वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमेशा उनको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने इतना टैलेंट वो देकर गए ना इंडिया को, इतना टैलेंट दे के गए हैं कि मतलब लोग उनको हमेशा याद रखेंगे, जो आने वाली जनरेशन होंगी ना वो भी देखेंगे तो याद करेंगे कि यार कोई एक लेजेंड था इंडिया में ऐसा, तो वो सच में हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अब तो खैर वो नहीं है। उनका जो अंदाज़ शायरी है कि उसको एक बार नहीं हज़ार बार आप सुन सकते हो, हज़ार बार सुनने को दिल चाहेगा। आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, मतलब शायद मे बी मैं थोड़ा सा ज़्यादा पसंद इस चीज़ को करती हूँ, तो मेरा तो मन होता है जब मुझे कोई शायरी लाइक, जैसे अभी मैंने पास्ट एक रिएक्शन किया था अली जरियन साहब की, तो मेरा सच में मन था कि मैं रिएक्शन में उसको वापस से प्ले करूँ, बट मुझे लगा नहीं यार लोग सोचेंगे अब तो ये पकाना स्टार्ट करिए। तो अभी मेरा सेम वही मेरे साथ हो रहा है कि मैं राहत इंदौरी साहब की जो टॉप 10 शायरीज हैं, मेरा मन था कि मैं इसको वापस से यार एक बार प्ले करूँ, फिर मैंने सोचा नहीं ऑफलाइन करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग में तो एक ही बार ऐड करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, रोमांटिक तो भर भर के रोमांटिक वाली शायरीज़ भी हैं, और दूसरा मोटिवेशनल भी है, मतलब जो आज का यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए भी इन्होंने बहुत कुछ पैगाम दिया है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, तो मुझे तो मोटिवेशनल भी बहुत लगती है इनकी शायरीज़। लाइक इन्होंने जैसे बोला ना कि मैं जब ना रहूं तो मेरे खून से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, अल्लाह क्या वर्ड है इनके, काबिले तारीफ़ की। मैं मतलब ना मैंने बोला है ना तो वो समझो 1/4 है, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रही राहत इंदौरी साहब को एक्सप्रेस, यार मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ उनके आगे। सो गाइज नेक्स्ट लेवल था, मुझे प्लीज़ राहत इंदौरी साहब का कोई वीडियो आप लोग सजेस्ट करो जो बहुत ही खूबसूरत सा हो, ज़रूर चाहूँगी कि मैं उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।